वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समझे सब सोनो जमी के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक खुशी का समाचार क्लास ट्वेल्थ के छात्रों को सुनाने जा रहा हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं अब एनसीईआरटी मैथ ट्वेल्थ बुक का चैप्टर बाय चैप्टर टोटल क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा और पर डे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और आप लोग सभी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं नए नए तरीके से सवाल को बनाने का टेक्निक मैं आप लोगों को बीच प्रदान करूंगा इस चैनल के माध्यम से, जो कि आप लोग के लिए के यूनिक रहेगी और साथ ही साथ मैं आप लोग के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी अलग से प्रिपरेशन आप लोग को करवाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स आज तैयार हो जाए समंजय सर के साथ जुड़ने के लिए। और आज मैं बताने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ मैट्रिसेस से 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है। इसका पहला क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं। मैं सिलसिलेवार एक एक क्वेश्चन को डील करूंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों के बीच आप लोग के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगा। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे प्रॉब्लम को, इससे सब जो भी मैं वीडियो बता रहा हूं उससे संबंधित, तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स आए तो चलते हैं देखें। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या है बाबू, एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस से शुरू कर रहा हूं। मैं बता दूं कि मैट्रिसेस की मैं थ्योरी जो हूं थ्योरी में इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर चुका हूं। इसका थ्योरी आप उसमें देखेंगे, उसके बाद आप आसानी से ये सभी चीज सीखेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में अवश्य थ्योरी जाकर के देखेंगे, मैं लिंक में लिख चुका हूं ये थ्योरी है क्या, मैट्रिसेस की थ्योरी की लिंक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि आप भी ए बराबर 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5 - 2, 12 √3, 1 - 5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। अवयव की कोटि नंबर दो, अवयव की संख्या अवयवों की संख्या नंबर तीन, अवयव यानी अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस यानी इसके लिए फाइंड करना ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस नंबर ऑफ एलिमेंट यानी इसमें कितने एलिमेंट है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन A13, A21, A31, A33, A24, A23। तो अब देखा जाए बाबू, तो एट फर्स्ट ध्यान दीजिएगा नंबर वन क्या कर रहा है, अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो आप देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो है, यदि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3 और 4। नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4। और पंक्तियों की संख्या कितनी, देखिए 1, 2, 3 यानी नंबर ऑफ रो 1, 2, 3। तो किसी अवयव यानी मैट्रिसेस की जो ऑर्डर होती है वो m इंटू एन यानी रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1, 2, 3। तो देखो नंबर एक रो हो गया तुम्हारा कितना, 3, तो इसलिए 3। और अब देखो बाबू कॉलम कितना है, 1, 2, 3, 4 यानी 3 × 4। तो अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 3 × 4। इसका मतलब है इसकी जो कोटि हो गई वो 3 × 4 की हो गई। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, यानी अवयवों की संख्या, तो याद रखिएगा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यानी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पे 3 × 4 कोटि का है, 3 × 4 ऑर्डर का है ये, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 4 = 12 यानी 3 × 4 = 12 यानी 12 यानी अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12। अब देखिए गिन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल कितने हैं, 12 है कि नहीं, ये अवयवों की संख्या हो गई, समझे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है, अवयव यानी A13, A21, A31, A33, A24, A23। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैट्रिसेस Aij जो होता है उसको सूचित किया जाता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह से फिर A31, A32, A33। तो अब देखिए बाबू सबसे पहले A13 ध्यान दीजिएगा, A13 कह रहा है यहाँ पे, तो A13 देखिए A11, A12, A13, तो A11, A12, A13 क्या है 19, तो A13 का वैल्यू कितना हो गया 19, ठीक। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, A21 इसमें ध्यान दीजिएगा, तो A21 देखिए यहाँ पे दूसरा में रहता है पहले, तो A
A11, A12, A13, A14 तक है यहाँ पे, तो A21 यहाँ है, तो A21 का वैल्यू कितना है 3.5, तो A21 का वैल्यू क्या हो गया 3.5। ठीक, अब अगला क्या कहता है देखिए बाबू, A31, तो देखिए A31 ध्यान दीजिएगा, A31 तो A31 देखिए यहाँ पे रहता है, इसका मतलब यहां से देखिए, यानी तीसरी पंक्ति है ये जो है 3-1, मैं सब बताया, यानी ये तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ है, समझे कि नहीं, 3-1, ये मैं सारा चीज बताऊं, ये कैसे आया, क्यों आया, क्या आप मेरे थ्योरी में देखेंगे। तो A31 का वैल्यू कितना, देखिए √3, तो A31 का वैल्यू क्या हो गया √3। आगे क्या कहता है देखिए, A33, तो अब देखिएगा A33, तो A33 इसमें A31, A32, A33, A33 का वैल्यू क्या है -5, समझे कि नहीं, क्योंकि A33 इसका मतलब पंक्ति भी 3 होना चाहिए और उसका कॉलम भी 3 होना चाहिए, ये इसका मतलब ये हो रहा है, यानी रो भी 3 होना चाहिए, कॉलम भी 3 होना चाहिए, तो रो 3 होना चाहिए, कॉलम 3, यानी ये हो गया। यानी अब देखिए आगे क्या है, A24 का मतलब हुआ कि जो रो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए 4, तो ये देखिएगा ये रो ये हो गया और क्या हो गया 24, कॉलम क्या है A24, ये हो गया A21, A22, A23, A24, यानी क्या हो गया 12। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है A23, तो A23 इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है रो 2 है और कॉलम क्या है 3, तो A23 यानी यहाँ पे 5/2 है, 5/2। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को डील कर दिया, आप देख चुके होंगे अच्छी तरीके से, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, ये 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ बुक का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी अव्यय में 24 अव्यय है तो सभी संभव कोटियां क्या हुए, इन्हें एक मैट्रिसेस है उसमें कि 24 एलिमेंट है, समझे कि नहीं, तो उसमें सभी जो पॉसिबल ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो क्या होगा, और उसके बाद क्या कर रहा है यदि 13 अवयव हो तो उसकी कोटियां कितनी, एफ इसमें 13 एलिमेंट होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो बाबू यहाँ पे 24 है, तो 24 को हम कितने तरीके से हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो 24 को हम देखो बाबू 1 × 24 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और 24 × 1 लिख सकते हैं, समझे कि नहीं, या हम 2 × 12 लिख सकते हैं, या 12 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, या हम लिख सकते हैं बाबू 3 × 8 लिख सकते हैं, और या हम लिख सकते हैं 8 × 3 लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए, फिर यहां पे देखिए 4 × 6 लिख सकते हैं, फिर या 6 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 6 × 4 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए इस 24 का जो फैक्टर, 24 को गुणनखंड के रूप में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो जो जितने तरीके से हम फैक्टर के रूप में गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, समझे कि नहीं, वही उसकी क्या हो जाएगी सभी संभव कोटियां, यानी सभी यानी पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा मैट्रिक्स का। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 24, या 24 × 1, या 2 × 12 यानी 2×12 = 24, या 12×2 = 24, 3×8 = 24, या 8×3 = 24, 4×6 = 24, या 6×4 = 24। अब तो हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यदि ध्यान दीजिए ये आपका सभी संभव क्या हो गया कोटि हो गया, यानी जिसमें 24 अवयव हो। लेकिन नेक्स्ट क्या करेगा यदि 13 अवयव हो, तो ध्यान दीजिएगा जब 13 अवयव होगा, ये जब 24 अवयव होगा तो उसका आंसर ये होगा, और जब 13 अवयव होगा तो इसका भी देखिए फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, 1×13 या 13×1, गुणनखंड के रूप में यही लिख सकते हैं, इससे तो ज्यादा गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, इसलिए जब अवयव 13 होगी तो उसमें सभी संभव कोटियां 1×13 या 13×1 होगा, ये आंसर हो गया, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू, तीसरा क्वेश्चन भी चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या करा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो सभी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या कोटियां होगी, वही चीज है, सेम क्वेश्चन है। तो देख बाबू वही करेंगे कि जितने अवयव होते हैं उनको हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में लिखते हैं, गुणनखंड के रूप में, तो जितने संभव गुणनखंड होते हैं वही उसकी कोटि होती है, समझे नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है देखिए 18 है, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, देखिएगा 1×18, ये फिर क्या हो जाएगा 18×1 लिख सकते हैं, फिर देखिए बाबू 2×9 क्योंकि 9×2 = 18, या हम लिख सकते हैं 9×2, ठीक, फिर देखिए 3×6 फिर क्या लिख सकते हैं 6×3 लिख सकते हैं, अब तो नहीं लिख सकते 1×18 = 18 होगा, 18×1 = 18, 18 का जो गुणनखंड के रूप में फैक्टर के रूप में हम इतने तरीका से लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा यदि किसी अवयव में 18 अवयव होंगे, कितने अवयव हो तो उसकी सभी संभव जो कोटि होगी, सभी संभव जो ऑर्डर होगा वो 1×18, 18×1,
2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3 हो जाएगा। ये आपको अगर फिर क्या कर रहा है, इसमें यदि इसमें 5 अवयव हो तो सभी संभव कोटियां क्या होगी, तो 5 को हम कितने तरीके से हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, देखिए 1 × 5 और फिर क्या हो जाएगा 5 × 1, बस इससे तो ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हुआ। तो चलिए स्टूडेंट समझ गए, देखिए यहाँ पे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, कह रहे कि 1 × 2 × 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना क्या रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं, यानी एक मैट्रिसेस हमको फाइंड करना है जिसमें कि ए बराबर ए आई जे की रचना के द्वारा 2 × 2 कोटि का एक अवयव बनाना है, ठीक ना, जिसके अवयव जो है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, तीसरा क्वेश्चन ये हुआ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि 2 × 2 कोटि की जानते हैं कि ए आई जे का होता है a11 a12 a21 a22, इसका मतलब 2 × 2 कोटि का हुआ कि पंक्ति भी आपका 2 होना चाहिए और स्तंभ भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो इसलिए इसी के द्वारा ये सेटिस्फाई होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला ना फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि ए आई जे इजक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 है ना। तो सबसे पहले क्या है, देखिए इसमें a11 निकालेंगे क्योंकि उस a11 तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस i का भी वैल्यू 1 है और j का भी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 हो गया। तो अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 × 4, 4 × 2, तो 2 × 4 2 कट गया, तो a11 का मान कितना निकल गया 2। अब देखिए a12 निकालेंगे, तो a12 देखिए ध्यान दीजिएगा, i का मान 2 और j का मान क्या है 2, पहले i लिखा था j, मैं थ्योरी डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया हूं सारा चीज बताऊं आप उसे देख लेंगे। तो अब यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, i प्लस j का होल स्क्वायर, तो i का वैल्यू यहां पे a1 है और j का वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर बटे क्या है कि 2 बटे 2 है, देखिए 2 × 1 = 3, तो 3 का होल स्क्वायर, 2 × 1 = 3, 3 का होल स्क्वायर 3 किया कितना होगा 9, 9/2, इसका मतलब a12 का मान कितना हो गया 9/2। अब देखिए आगे, अब यहां पे क्या होगा a21, तो a21 तो i का मान 2 और j का मान क्या 1, तो i प्लस j का होल स्क्वायर है, i का वैल्यू इसमें क्या है 2, अब प्लस क्या है j, j का वैल्यू इसमें क्या 1 का होल स्क्वायर, अब बटे क्या है देखिए बटे 2 है, अब देखिए बराबर 2 × 3, 3 × 3 = 9/2, a21 का मान 9/2। अब देखिए a22 क्या निकालेंगे, a22 क्योंकि 2 × 2 का रहा है, तो 2 × 2 मैट्रिसेस इसी के द्वारा सेटिस्फाई होता है, तो a22 तो i का भी मान 2 और j का भी मान 2, इसका मतलब i प्लस j का होल स्क्वायर है देखिए 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। अब देखिए 2 × 2 = 4, 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए 4 का होल स्क्वायर 4 × 4 = 16 हो जाएगा, यानी 16/2, देखिए 2 × 8 = 16, यानी 8 हो गया। तो अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग यानी इसके अनुसार से अब इसमें हम लोग को रखना है, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, तो ए आई जे एक मैट्रिक्स है जो मेरे पास प्राप्त हुआ, देखिए a11 का मान कितना है 2, a12 का मान क्या है देखिए 9/2, फिर देखिए a21 का मान कितना है देखिए 9/2, फिर क्या a22 का मान कितना है 8 है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए सेम, आप देखिए पहला बता दिया, अब ये दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तीसरा आप खुद भी डील कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझ गया होंगे, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है, ए आई जे इजकल टू आई बाई जे, आई बी जे, जे के द्वारा सेटिस्फाई। अब देखो बाबू, यही 2 × 2 कोटि का रहा है, इसका मतलब यही मैट्रिसेस बनेगा। तो अब देखो a11 पहले निकलेगा, इसमें i का वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पे देखिए ध्यान दिया जाए, ये तो आपका, चलिए ध्यान दीजिएगा, i / j है, तो i का वैल्यू क्या है 1 और j का वैल्यू 1/1 इक्वल टू क्या होगा 1। अब देखिए नेक्स्ट क्या है a12, तो a12 देखो बाबू, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू क्या 2, i / j के रूप में i का वैल्यू 1 और j 1/2, ठीक। अब देखिए आगे क्या होगा a21, तो a21 i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1, तो i / j के रूप में यानी 2/1, तो क्या हो जाएगा 2। अब देखो आगे क्या होगा a22 यानी i का भी मान 2 और j का भी मान क्या है 2, i / j के रूप में इसका मतलब 2/2 के रूप में 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए बाबू, यहां पे जो मैट्रिसेस प्राप्त होगी aij इक्वल टू जो मेरे पास प्राप्त होगा क्या होगा a11 का वैल्यू कितना है देखो 1, a12 का वैल्यू कितना है 1/2, फिर क्या है देखो a21 का वैल्यू कितना है 2 और a22 का वैल्यू क्या है 1, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए, ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन समझ गया। अब देखिए थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर क्या है, देखिए ए आई जे इजक्वल टू क्या है, आई प्लस टू जे होल स्क्वायर बाई टू है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले वही दो गुना दो कोटि का हमको मैट्रिसेस बनाना है, तो सबसे पहले ए वन वन ले लेते हैं, तो आई का भी वैल्यू वन और जे का भी वैल्यू क्या है वन है। तो अब देखिए वन प्लस टू इंटू जे, जे का वैल्यू वन है का होल स्क्वायर बटे टू हो जाएगा। तो अब देखो दो गुना एक दो, दो और एक कितना हो गया तीन, दो गुना एक कितना हो जाएगा टू, यानी एक प्लस दो का होल स्क्वायर बटे दो, दो एक तीन तीन दिया नौ बटे दो, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है नौ बटे दो हो गया। अब देखो ए वन टू लेंगे, आई का मान वन और जे का मान टू है, तो यहाँ पे देखो आई का यानी आई प्लस टू जे, तो वन प्लस टू इंटू जे, जे का वैल्यू क्या है टू का होल स्क्वायर बटे टू हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो बाबू एक प्लस दो दूनी चार बटे कितना हो जाएगा दो, अब यहाँ पे देखो होल स्क्वायर है चार एक पाँच, यानी पाँच बटे दो, तो पाँच का पचे पच्चीस, पच्चीस बटे क्या हो जाएगा दो। अब देखो ए, अब देखो क्या निकालेंगे टू वन, इस बार क्या हो गया देखो आई का मान टू और जे का मान वन, तो आई का वैल्यू टू यहाँ पे हो जाएगा, देखो आई प्लस टू जे टू प्लस टू इन टू जे, तो जे का मान इसमें कितना है वन, इसका होल स्क्वायर है देखो होल स्क्वायर है बटे क्या है टू कर दी, तो दो एकम दो 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 प्लस क्या हो गया दो का होल स्क्वायर बटे टू, दो दो चार, अब देखो चार चौके सोलह, सोलह बटे टू दो अठी सोलह यानी आठ हो गया, ये इसका वैल्यू कितना हो गया आठ। अब देखो ए टू टू फाइंड करेंगे, ए टू टू यानी आई का भी मान टू जी का भी मान टू, तो देखो आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर है, इसका मतलब टू प्लस ध्यान में टू इंटू जे, तो ध्यान देना ये तो टू ऊपर वाला है बाबू, टू इंटू जे, जे का भी मान कितना है देखो जे का भी मान यहाँ टू है का होल स्क्वायर अब बटे क्या है टू बटे टू। अब देखो दो दूनी चार, तो दो प्लस चार बटे दो यहाँ देखो होल स्क्वायर है, तो चार और दो कितना छ, छ का स्क्वायर छा के छत्तीस, छत्तीस बटे टू अठारह दूनी छत्तीस ये अठारह हो गया। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, यानी ए आई जे बराबर तो क्या हो जाएगा देखो दो गुना दो कटी, सबसे पहले ए वन वन होता है, ए वन वन का मान कितना है देखो नौ बटे दो, फिर क्या देखो ए वन टू, ए वन टू का मान कितना है देखो पच्चीस बटे दो, फिर देखो ए टू वन, ए टू वन का मान कितना है देखो आठ, फिर देखो क्या होता है ए टू टू, ए टू टू का मान कितना है अठारह। तो ये आप समझ ही गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के वीडियो में यहीं तक, मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड करूंगा, आप लोग इंतजार में रहेंगे, मैं टोटल चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को डील करूंगा, आप लोग सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।